पब्लिक टीवी आपकी आवाज। स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार के साथ हुई घटना को लेकर सफाई कर्मचारी SC ST और सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराओं के तहत केस दर्ज कराने पर अड़े हैं। नगर आयुक्त ने SPCT को संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराने के लिए निर्देश दिए हैं। स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के प्रांतीय महामंत्री प्रेम बाबू वाल्मीकि ने कहा कि 23 दिसंबर को संघ के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार के साथ घटना हुई थी। नगर आयुक्त संजय चौहान को मांग पत्र सौंपते हुए उन्होंने कहा, जब नगर निगम के अधिकारी उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो और कौन साथ देगा। नगर आयुक्त ने इस मामले में SPCT को कॉल कर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बिलारी में दौरा था, जिसके क्रम में मुरादाबाद में भी शहर की सफाई व्यवस्था युद्ध स्तर पर की जा रही थी। उसी क्रम में दिल्ली रोड पर हमारे सफाई नायक श्री सुनील लश्करी जी भी अपने सफाई कर्मचारी से सफाई कार्य करा रहे थे। तभी वहीं से अभिषेक शर्मा व उनकी पत्नी राजवाला शर्मा वहाँ से गुजर रही थी और कर्मचारी झाड़ू लगा रहा था, तो वे वजह वहाँ रुककर कर्मचारी से कहने लगे, बस आले देख ले हम निकल रहे हैं तो धूल उड़ाया जा रहा है। कर्मचारी प्रशांत कुमार ने कहा कि बाबूजी मुझे क्या पता थी आप यहाँ से गुजर रहे हो, अगर मुझे पता होती तो मैं पहले से ही अपनी झाड़ू रोक लेता और आप निकल जाते। इतनी सी बात सुनकर अभिषेक शर्मा आग बबूला हो गया और उसे गाली गलौच और मारपीट पर उतारू हो गया, जिसकी सूचना कर्मचारियों ने अपने सुपरवाइजर सुनील लश्करी जी को दी। तुरंत सुनील लश्करी जी अपने इंस्पेक्टर श्री उपाकांत शर्मा जी को लेकर वहाँ पहुँचे और सारा मामला जाना और उन्हें अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वहाँ से सफाई कर्मचारी प्रशांत कुमार को वहाँ से हटा कर डाल्ट बैठ के भेजा और बात ख़त्म करने को कहा। और अभिषेक शर्मा जी से भी इसी बात को कहा, बोले चलिए भाई साहब जो हो गया ख़त्म करो, बात ख़त्म कीजिए। लेकिन अभिषेक शर्मा अपनी दबंगी में सांस भर रहा था और वो लगातार गाली गलौज करता रहा, और जिसका विरोध करने पर उन्होंने हमारे सुपरवाइज़र सुनील लश्करी से भी मारपीट व गाली गलौज करने की हिम्मत की, जिसको वहाँ दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारी वहाँ गुजर रहे थे, उन्होंने भी इस बात का अपने नज़र देखा और पुलिस को फ़ोन करके दोनों को पक्षों को वहाँ ले आकर थाने में बात करने का वहाँ पर रखा, जिसके क्रम में हम सुपरवाइजरों के द्वारा वहाँ पहुँचकर हमने अपने साथी को देखा तो बहुत ज़्यादा चोटिल थे, गंभीर चोटों से वहाँ पर वो चोटिल हुए थे, जिसका हमने वहाँ पर खड़े होकर पुलिस प्रशासन से उनका मेडिंग कराए जाने की मांग की और तहरीर देने को हम लिखने को कहा, जिसके बाद हमने मेडिकल भी अपने कर्मचारी का कराया है और उसमें गंभीर चोटें भी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उन गंभीर चोटों को नज़रअंदाज करते हुए उस गंभीर चोटों में मुकदमा न दर्ज कर करके मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का काम किया है, जबकि वहाँ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, गाली गलौज की गई थी, भंगड़ भंगी आदि सब शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इन SC ST में मुकदमा ना कायम करके, गंभीर चोटों में मुकदमा कायम ना करके, मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज करके मामलों को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करेंगे। हम रात दिन नगर निगम के कर्मचारी होने के नाते मुख्य मांग क्या है, मुख्य मांग हमारी केवल एक ही है, अभिषेक शर्मा के खिलाफ मुख्य धाराओं में FIR दर्ज हो, SC ST उस पर लागू हो, अगर यदि नहीं होती है तो सफाई सुपरवाइजर संघ, स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ, नगर निगम कर्मचारी संघ, ST ST कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी संघ मिलकर संयुक्त रूप से इसका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी और केवल पुलिस प्रशासन की होगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।